दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है जिनका वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। महासागर उनमें से एक है। इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल सुपर फैक्ट्स में। और आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर प्रशांत महासागर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी व रोचक जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कुल 5 महासागर हैं। ये महासागर पृथ्वी के 71% हिस्से को अपने पानी से ढके हुए हैं, जिनमें अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर आते हैं। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 16,52,50,000 वर्ग किलोमीटर है, जो अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। इसमें विश्व के सभी महासागरों का 50% जल मौजूद है। यह पूर्व से पश्चिम में लगभग 19,800 किलोमीटर की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लगभग 15,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई 14,000 फुट तथा अधिकतम गहराई लगभग 36,200 फुट है, जो कि इतना गहरा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसमें समा जाएगा। इस महासागर की सतह मुख्य रूप से पश्चिम में कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच प्रमुख है, जिसकी अधिकतम गहराई 10,994 मीटर है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है। यह विश्व के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल का घर है। सभी समुद्रों की मछलियों में से लगभग 70% मछलियां इसी में पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस भी इसी समुद्र में पाया जाता है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सफेद डॉल्फिन सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत महासागर एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। इस समुद्र के अंदर अब तक 25,000 द्वीप खोजे जा चुके हैं। दोस्तों, इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी और बार बार भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों, इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर इसलिए पड़ा क्योंकि यह महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में काफी शांत है। इसका यह नाम पुर्तगाली अन्वेषक मैगलन ने रखा था। आखिर इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चला है। हालांकि कई भूवैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाना चाहा कि इस महासागर का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ, लेकिन वो कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं निकाल पाए। ऐसे में इसे रहस्यमय कह सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।